अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान बढ़ते तनाव के बीच अजरबैजान ने एक बार फिर से आर्मेनिया के SU-25 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले 18 अक्टूबर को भी अजरबैजान ने ऐसा ही दावा किया था, लेकिन पहले की तरह इस बार भी आर्मेनिया ने अजरबैजान के इस दावे को नकारते हुए झूठा बताया है। इन दोनों देशों के बीच नगोर्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर 27 सितंबर से जंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान की सेना ने तुर्की और इजरायली हथियारों के दम पर आर्मेनिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करते हुए कहा कि उसकी सेना ने आर्मेनिया के एक SU-25 लड़ाकू विमान को गिरा दिया है। ये लड़ाकू विमान उसके मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने की फिराक में था। अजरबैजान ने कहा कि हमारे सभी सैनिक पहले से ही अलर्ट पर थे। जैसे ही आर्मेनिया के विमान ने हमले की कोशिश की, वैसे ही उसे नीचे गिरा दिया गया। उधर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने कहा है कि अजरबैजान सीरिया से आए भाड़े के सैनिकों के सहारे जंग लड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अजरबैजान के लिए तुर्की बड़ी तादाद में सीरिया के भाड़े के सैनिकों को भर्ती कर रहा है। तुर्की इन आरोपों से कई बार इनकार कर चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सीरिया के लोगों के पास अपने देश में करने के लिए काफी काम है। नागोर्नो काराबाख इलाके में आर्मेनियाई मूल के लोग बड़ी तादाद में हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है। सोवियत संघ के टूटने के बाद से ही अजरबैजान इस इलाके पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अब तक कामयाबी नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि इस बार की लड़ाई में अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो काराबाख के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।